हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्मृति मंधाना के बारे में बात करने वाले हैं। विमेंस क्रिकेटर्स में रन मशीन कही जाने वाली स्मृति ने खुद तो एक बड़ा मुकाम हासिल किया ही है, साथ ही इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम को उनकी सही पहचान दिलाई है। क्योंकि दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लोग विमेंस क्रिकेटर्स के नाम पर सिर्फ मिताली राज और झूलन गोस्वामी को ही जानते थे। लोगों को इंडियन विमेन क्रिकेट टीम से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन आज समय बदल चुका है। अब लोग मेंस क्रिकेट की तरह विमेंस क्रिकेट में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इंडियन विमेंस टीम की प्लेयर्स उस पर खरी भी उतर रही हैं। इन प्लेयर्स में से एक प्लेयर जिन्हें लोग विराट कोहली की तरह रन मशीन कहते हैं, यानी कि स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना अपने खेल के अलावा अपनी क्यूटनेस के लिए भी बहुत फेमस हैं और बहुत से लोगों की वो क्रश हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई साल 1996 को मुंबई, महाराष्ट्र की एक मराठी फैमिली में हुआ। स्मृति के पिता का नाम श्रीनिवास और इनकी मां का नाम स्मिता मंधाना है। स्मृति के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम श्रवण मंधाना है। स्मृति जब केवल 2 साल की थी तभी इनकी फैमिली मुंबई से सांगली, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई। इनके पिता जो कि स्पोर्ट्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर थे और इनकी माँ हाउसवाइफ। स्मृति के पिता और उनके भाई दोनों ही सांगली की डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम से खेल चुके हैं। स्मृति ने क्रिकेट खेलना अपने भाई को देखकर ही शुरू किया था और उनका ये भी कहना है कि पहले वो राइट हैंड से बैटिंग करती थीं, लेकिन अपने भाई को लेफ्टी खेलता देख उन्होंने भी लेफ्टी खेलना शुरू कर दिया। जब ये केवल 4 साल की थीं, तभी से ये अपने भाई और पापा के साथ क्रिकेट देखने जाया करती थीं। दोस्तों, यहाँ से ही उनकी क्रिकेट में रुचि बढ़ने लगी और उन्होंने अपने पापा से खुद के खेलने की मांग की। स्मृति के पापा इनका थोड़ा बहुत खेल देखकर समझ चुके थे कि अगर इन्हें अंडर ट्रेनिंग रखा जाए तो ये एक अच्छी प्लेयर बन सकती हैं, और फिर वही हुआ। स्मृति के पापा और भाई ने कुछ दिन इन्हें ट्रेनिंग दी, उसके बाद वो दूसरी जगह ट्रेनिंग को भेज दी गईं। मात्र 9 साल की उम्र में स्मृति का अंडर 15 में और 11 साल की उम्र में अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया था नेशनल टीम में। स्मृति के पापा तो इन्हें मीडियम पेसर बनाना चाहते थे, लेकिन इनका बल्ला कुछ और ही बोल रहा था। स्मृति के बल्ले ने शुरू से ही बता दिया था कि वो एक टॉपेस्ट बैट्समैन के रूप में सामने आएंगी। इनके ओपनर बनने की कहानी भी अजीब है, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्मृति जब अंडर 19 का मैच खेलने गई तो उससे पहले एक फॉर्म भरा जाता है जहां उनकी एज, एजुकेशन और आप कौन से नंबर के बल्लेबाज हैं ये फिल करना होता है। तो उस समय स्मृति को इतनी जानकारी नहीं थी कि मिडिल ऑर्डर क्या होता है। फॉर्म भरते टाइम इन्होंने अपने पापा को कॉल लगाई और उनसे पूछा कि फॉर्म में ओपनर भरूँ या मिडिल ऑर्डर, तो इनके पापा ने कहा भर दे ओपनर, और वहीं से स्मृति ओपनर बैट्समैन बन गई। अंडर 15 और अंडर 19 में स्मृति का प्रदर्शन लगातार अच्छा चलता रहा, इसीलिए उन्हें इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। यहां से उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित करना शुरू किया। इनका डेब्यू मैच 5 अप्रैल साल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ हुआ। वो एक ओडीआई मैच था जिसमें स्मृति ने 39 रन की पारी खेली थी। इसके बाद स्मृति ने एक घरेलू मैच में ऐसी बैटिंग कर डाली जिसके बाद बहुत से लोग इन्हें उनके नाम से जानने लगे। ये मैच था महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात के बीच। ये एक ओडीआई मैच था जिसमें स्मृति ने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए 150 बॉल्स पर 224 रन की बेहतरीन पारी खेली। यहां से इन्होंने खूब सारी सुर्खियां लूटी और ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। स्मृति ने जिस बल्ले से ये रिकॉर्ड कायम किया वो बल्ला इन्हें क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने गिफ्ट किया था। फिर साल 2014 में इन्हें टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला जहां इन्होंने पहली पारी में 22 और दूसरी पारी में 51 रन की शानदार पारी खेली। इनका ओडीआई का पहला शतक साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया, हालांकि वो मैच इंडिया हार गई, लेकिन इस मैच में स्मृति को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया
और इसी साल ICC वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर में इकलौती भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना गया जो थी स्मृति मंधाना। सितंबर साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन हिट्स ने स्मृति मंधाना को बतौर ओवरसीज प्लेयर वीमेन्स बिग बैश लीग के लिए शामिल किया। इनके साथ हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल था। बिग बैश लीग के दौरान स्मृति इंजर्ड हो गईं। इंजरी से वापस आने के बाद इन्हें सीधे साल 2017 की ODI वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 72 गेंदों में 90 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। उसके बाद अगला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था जिसमें इन्होंने शतकीय पारी खेली। स्मृति और टीम के शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया यहां फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर भारत को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में इंडिया इंग्लैंड के साथ भिड़ी और इंग्लैंड ने पहले खेलकर 229 रन का टारगेट दिया। उस टारगेट को चेस करने उतरी स्मृति शून्य पर ही आउट हो गई और भारत केवल 9 रनों से ये मैच हार गया। इस हार से पूरी इंडिया टीम बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि लगभग वर्ल्ड कप को छूकर भारत वापस आ गया। दुख तो हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और यहां से इंडियन वीमेन्स क्रिकेट टीम को भी नई पहचान मिल गई। लोगों का इनके प्रति लगाव बढ़ने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीमेन क्रिकेट को देखने लगे। इसके बाद साल 2018 के फरवरी महीने में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका की 3 मैचों की सीरीज हुई, जहां 2 मैच जिनमें एक में 84 और दूसरे में 135 रनों की पारी खेलकर स्मृति ने ये सीरीज टीम इंडिया के नाम करवा दी। इसी साल अप्रैल में इंग्लैंड के खिलाफ ODI में शानदार पारी खेलते हुए जहां ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं। इसी साल T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 83 रन बनाकर अपने 1000 रन पूरे किए। इस वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। इस साल भी ICC ने इन्हें वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वीमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया और भारत सरकार ने भी इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में 24 गेंदों पर 50 रन बनाकर इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 50 बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। इसी महीने स्मृति ICC के ODI रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन भी बन गईं। दोस्तों, इसके बाद स्मृति लगातार बुलंदियां छूती रहीं और इन्हें इस साल इंडियन T20 टीम का कप्तान भी बना दिया गया। 2019 में ही स्मृति को इंटरनेशनल वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने 74 रनों की पारी खेली जिसमें इन्होंने T20 में अपने 2000 रन पूरे किए। इन रनों में स्मृति ने भारत में सबसे तेज और विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे तेज 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों, इसके बाद हुए 2020 के T20 वर्ल्ड कप में वो कुछ खास नहीं कर पाईं, लेकिन 2020 और 2021 में स्मृति का अच्छा प्रदर्शन होने के कारण इन्हें 30 दिसंबर को ICC वीमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2022 में भी स्मृति एक अच्छे प्लेयर के रूप में छाई रही और इसीलिए साल 2023 में होने वाले WPL यानी वीमेन्स प्रीमियर लीग में स्मृति को सबसे महंगा खरीदा गया। स्मृति मंधाना के लिए बहुत सी टीमों ने बोली लगाई, लेकिन आखिर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इन्हें 3,40,00,000 रुपए में खरीद लिया। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं स्मृति से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। दोस्तों, मीडिया में ये अफवाह काफ़ी जोरों शोरों से रही थी कि एक बार स्मृति किसी और कंट्री में मैच खेलने गईं, जहां मैच के दौरान उन्हें अपने एक फैन से पहली नज़र में प्यार हो गया। इसके बाद इनमें बातचीत हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। स्मृति और उस लड़के में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ चुकी थीं और वो काफ़ी टाइम साथ भी रहे, लेकिन जब स्मृति ने उस लड़के से शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। बताया ये भी गया कि इसके बाद ये पूरी तरह से टूट गई थीं, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ इसका कोई पता नहीं है। बात करें स्मृति की एजुकेशन की तो स्मृति ने अपनी स्कूली पढ़ाई सांगली महाराष्ट्र से कंप्लीट की। इसके बाद से तो इनका पढ़ाई से मन बिल्कुल भी हट गया और बस इन्होंने अपने पैशन को चुना। आइए दोस्तों, अब स्मृति के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं।
स्मृति ने अपने करियर में 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां इन्होंने 46 की औसत से 325 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं इन्होंने 77 ODIs खेले हैं, जहां उन्होंने 43 की औसत से 3073 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। T20 में स्मृति ने 28 की औसत से 2800 रन बनाए हैं, जिसमें 22 अर्धशतक शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी लाइफ स्टोरी क्रिकेटर स्मृति मंधाना की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।